It's about 10,000 hours, not 10,000 ideas. This is law 11 of 30 law of millionaire, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि जितने millionaires होते हैं किसी भी स्किल में मास्टरी हासिल करने के लिए 10,000 hours रूल का उपयोग करते हैं. आइए जानते कैसे. देखिए, ब्रूसली का कहना है कि I fear not the man who has practiced 10,000 kick once, but I fear the man who has practiced one kick 10,000 time. यानी आपको सिर्फ 10,000 घंटे चाहिए रहते हैं किसी भी स्किल में मास्टरी हासिल करने के लिए. और ये बात मिलेनियल्स को पता होती है कि कोई भी चीज़ इंस्टेंटली नहीं मिलती, मेहनत तो करनी ही पड़ती है. आप स्मार्ट वर्क कर रहे हैं या हार्ड वर्क, डजेंट मैटर, आपको मेहनत से हार्ड वर्क से गुजरना ही पड़ेगा. आपको दो चीज़ों को ध्यान देना होगा. एक है कंसिस्टेंसी. देखिए, हम सबको तुरंतली एक ग्रेटिफिकेशन चाहिए होता है. जैसे कि किसी कहना है कि अगर मैं 2 महीने से यूट्यूब पे हूँ, काम कर रहा हूँ, कंटेंट डाल रहा हूँ, मेरे फॉलोवर्स नहीं बढ़ रहे हैं, व्यूज़ नहीं बढ़ रहे हैं, पैसे नहीं आ रहे हैं, तो भाई आपको मैं कहना चाहूँगा, आपको सिर्फ 2 ही महीने हुए हैं. आप कोई अंबानी नहीं है जो आपको तुरंत रिजल्ट मिल जाएगा. आप कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, आपको रिजल्ट जल्द मिलेगा. दूसरी चीज़ है मास्टरी. आपके दिमाग में दिन भर में 16,000 से ज़्यादा आइडियाज़ आते रहते हैं, तो उन सारे आइडिया को भूल जाओ. किसी एक आइडिया को पकड़ो, किसी एक स्किल को पकड़ो, उस पर काम करो, उस पर मेहनत करो, उसमें किंग बन जाओ, उस स्किल के बाहुबली बन जाओ. देखिए आपके हाथ में पैसा क्यों नहीं आता है. तो इस वीडियो को सेव कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर पैसे कमाने हैं तो.